छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मासिक रेडियो कार्यक्रम लोकवाणी के तीसरे प्रसारण से रविवार को स्वास्थ्य एवं मातृशक्ति के साथ अन्य 9 मुद्दों पर प्रदेश की जनता से चर्चा की। सीएम की इस पहल का चारों तरफ से अच्छा फीडबैक मिल रहा है, साथ ही चर्चा के दौरान समस्या के तत्काल समाधान की जमकर सराहना भी हो रही है। वहीं माताओं बहनों ने सुपोषण अभियान के लिए सीएम को धन्यवाद दिया है। लोकवाणी की इस तीसरी कड़ी पर देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सीएम ने स्वास्थ्य एवं मातृशक्ति पर आधारित योजनाओं से प्रदेश की जनता को रूबरू कराते हुए लोकवाणी के तीसरे कड़ी की शुरुआत दाई बहनी सियान जवान लयिका जम्बो मल्ला जय जोहार से की। उन्होंने छत्तीसगढ़ी में इस सरल और सरस संबोधन के साथ पूरे वातावरण को सहज बना दिया। छत्तीसगढ़ की संस्कृति में मातृशक्ति की पूजा की परंपरा का उल्लेख कर उनका नमन करते हुए अपनी बात की शुरुआत की। मुख्यमंत्री की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का श्रोताओं से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इस कार्यक्रम में श्रोताओं की लगातार बढ़ रही भागीदारी ने इस कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बना दिया है। श्रोता सरकार की योजनाओं पर अच्छे फीडबैक के साथ महत्वपूर्ण सुझाव भी दे रहे हैं। लोकवाणी में माताओं बहनों ने राज्य सरकार के सुपोषण अभियान की सराहना करते हुए इसे गर्भवती और शिशुवती माताओं के लिए फायदेमंद बताया है। महिलाओं के बारे में बहुत ज्यादा ही उसका ये रुचि है कि जो कुपोषण है उसको दूर भगाना है, और उसके बारे में जो चिंता आभार व्यक्त की है बहुत ही अच्छा किए हैं, उसको भैया को हम लोग धन्यवाद देते हैं। आज की कड़ी में खैरागढ़ में एक श्रोता से स्वास्थ्य सेवाओं के हाल और पोषण पुनर्वास केंद्र के संचालन पर मिले फीडबैक पर मुख्यमंत्री लोकवाणी में ही कहा कि खैरागढ़ में 50 बिस्तर का अस्पताल खुलेगा और खैरागढ़ सहित पूरे प्रदेश में पोषण पुनर्वास केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, तो वहीं आम जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। खैरागढ़ के हमारे भैया ने बताया कि किस प्रकार से वहाँ की व्यवस्था लाचार है। पिछले 15 सालों से 1947 से वहाँ पे स्वास्थ्य का लाचार व्यवस्था पड़ा है। पहला छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला एक्सरे मशीन वहाँ पे लाया गया था, लेकिन आज भी वो किस प्रकार से खच्चर पड़ा है, ये सारा चीज़ों का उन्होंने खंडन किया है। ये बहुत ही अच्छा एक मौका यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा संवाद करने का सीधा समारोह प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में कहा कि राज्य में हमारी सरकार आने के बाद यहाँ महिलाओं के हित तथा उत्थान पर विशेष ध्यान देते हुए पहली प्राथमिकता मातृशक्ति को दी गई है। लोकवाणी में यह जानकारी भी दी कि आगामी 27, 28 और 29 दिसंबर को राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह महोत्सव में पूरे देश से आए आदिवासी नृत्य दलों का प्रदर्शन भी होगा, जो छत्तीसगढ़ को सांस्कृतिक तौर पर पूरे देश और दुनिया से जोड़ेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य वार्ड कार्यालय के उद्घाटन, वार्ड कार्यालयों में कार्य, आम लोग कैसे सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं, 9 प्रकार की जानकारियां, नई नई प्रकार की जानकारियां आज सैकड़ों लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकवाणी सुनकर के प्राप्त हुए। लोकवाणी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री लोगों के घर में पहुंचकर बता रहे हैं कि आपके लिए कौन सी योजना है और आप इसका लाभ कैसे ले सकते हैं। ऐसी घर पहुंच सूचना घर बैठे समस्या के समाधान से जनता भी गदगद है। रायपुर से कैमरामैन रेख राम के साथ सत्या सिंह राजपूत की रिपोर्ट। चित्रकूट।